हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। आम आदमी पार्टी ने कहा, साजिश के तहत दिल्ली डूबी, हथनी कुंड का पानी सिर्फ दिल्ली के लिए ही क्यों छोड़ा गया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली को जानबूझकर डुबोया गया और इसके लिए भाजपा को दोषी ठहराया। उनका दावा है कि हथनी कुंड बैराज से अतिरिक्त पानी एक साजिश के तहत केवल दिल्ली भेजा गया था। भारद्वाज ने उपराज्यपाल के पसंदीदा अधिकारियों पर राहत शिविरों में सहायता के लिए कॉल का जवाब नहीं देने का भी आरोप लगाया। हेट स्पीच मामले में आजम खान को ही 2 साल की सजा। भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान को रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर नफरती भाषण दिया था। भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद रामपुर एडीओ पंचायत अनिल चौहान ने थाना शहजाद नगर में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर बनाए गए चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक। खबर है कि केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टमाटर की कीमतें जल्द ही 300 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती हैं। बकौल रिपोर्ट्स आने वाले दिनों में टमाटर की कीमतें 300 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश और कुछ जगह अपर्याप्त बारिश के कारण खाने पीने की चीज़ों का उत्पादन व परिवहन प्रभावित हुआ है। नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ संजय गुप्ता ने कहा कि कीमतें स्थिर होने में 2 महीने अभी लगेंगे। बिहार सरकार के खिलाफ मार्च को लेकर 63 बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज। खबर है कि बिहार के राजधानी पटना में शिक्षक नियमावली 2023 के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा मार्च करने वाले 63 बीजेपी नेताओं और 7000 से 8000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का नाम नहीं है। बकौल शिकायतकर्ता, बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव करके मिर्च पाउडर फेंका था। प्रदर्शन में कथित तौर पर शामिल एक बीजेपी नेता की जान गई थी। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस सिस्टम लागू हुआ। खबर है कि राजस्थान में राज्य सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब अभ्यर्थियों को बार बार रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं करना होगा। इसके लिए राज्य कार्मिक विभाग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस सिस्टम लागू करने का आदेश दिया है। बकौल आदेश, अब सामान्य आरक्षित व विकलांग वर्ग के अभ्यर्थियों को एक बार क्रमशः 600 रुपये, 400 रुपये और 400 रुपये जमा करने होंगे। यह योजना केवल राजस्थान के अभ्यर्थियों के यही होगी। हरियाणा सरकार ने कहा, दिल्ली में बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराकर आम आदमी पार्टी बेवजह विवाद खड़ा कर रही है। खबर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सलाहकार देवेंद्र सिंह ने दिल्ली में बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक हथनी कुंड बैराज से जानबूझकर दिल्ली की ओर पानी छोड़ा गया। इस पर देवेंद्र ने कहा कि बड़े पत्थरों के चलते यूपी की ओर पानी नहीं छोड़ा गया, इससे बैराज को नुकसान पहुंचता, बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।